सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है 14th of January यानी मकर संक्रांति। पतंग उड़ाने का वैसे कोई प्लान तो नहीं था, बट बाहर का माहौल देख के मेरे को लगा चलो अपन भी पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग वगैरह मंगवा लिए, धागा रखा हुआ था, छत पे चलते हैं और थोड़ा काइट फेस्टिवल का मजा उठाते हैं। लेट्स गो। वो Just look at the scenario. चल रहा तू ये रही ऊपर पतंग। अरे पतंग नहीं दिख रही सूरज की, लेकिन पेच चल रहे हैं। मल्टीपल पेच हो गए भाई, एक साथ ज्यादा पतंगों में। लपेट मम्मी, ये इसको उत्तरायण क्यों बोलते हैं? सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है, इसको उत्तरायण कहते हैं। भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण उत्तरायण में त्यागे थे। अच्छा, बाकी पतंग का क्या कनेक्शन है? पतंग का ये कनेक्शन है कि इस दौरान जो संक्रांत है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ये विटामिन डी अपने शरीर में जाना चाहिए, जो कि अपने को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है उसके लिए। तो मतलब हमारा इंडियन कल्चर इतना ज्यादा वास्ट है कि आपको उससे कभी शिकायत हो ही नहीं सकती, हमेशा उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। और ये एक प्राणी है जो हमारे व्लॉग में सतत विघ्न डाल रहे हैं। इनकी पतंग नहीं उड़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे व्लॉग में विघ्न डाल रहे हैं। क्या बोर कर रहे हो तुम, आगे जाओ। ये सिम्बायसिस पुणे से पास आउट बीटेक पतंगबाज आया हमारा, सीधा इम्पोर्टेड पतंगबाज है। पतंग में पतंग का अट्रैक क्या बात है। अबे निरीक्षण चल रहा है कि जोते सही है या गलत है। लोग उल्टी काप मोड़ देते हैं पतंग के और हमें कहते हैं जोते गलत बंदे। जोते गलत ही बंदे हैं आपके, आपने उल्टी काप मोड़ के रखी थी और जोते गलत बांध देते। अभी सही करो, सही करो। कर रहे ना भैया, देखो कहाँ जा रहे हैं ऊपर। भैया देखो यहाँ ऊपर कार जा रही है। चलो 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 पतंग उड़ाएंगे, चलो 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 पतंग उड़ाएंगे।
थोड़ा सा माहौल में नरमाहट आई है, सब अपने अपने घर खाना ना खाने गए लगता है। हम भी एक आध घंटे से नीचे उतरेंगे थोड़ा नाश्ता पानी करके, फिर शाम के टाइम आएंगे और कुछ और उड़ाएंगे। तो हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आना है, देखते हैं कहाँ मिलेगा ये। मेरे को भी आइडिया नहीं है, मुझे चाहिए बट ठीक है, शुरुआत करते। दो तीन शॉप्स मेरे को पता है, वहाँ मिल गया तो ठीक है, वरना खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। टाइम पे ये इंदौर अहमदाबाद का मेन हाईवे हुआ करता था, बिल्कुल सिटी से होते हुए, अब तो बाईपास बन गया है, तो इंदौर अहमदाबाद की सारी बसेस बाहर भी जाती है। एक्चुअली मुझे चाहिए था ये, तो मेरे को मिल तो गया है। वीडियो शूट मैंने वहाँ किया था बट उन लोगों ने वीडियो शूट करने से मना कर दिया, क्योंकि संक्रांति का टाइम चल रहा है, उनको पता है उन्होंने वीडियो शूट करने से क्यों मना कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम हो गया, अब चलते हैं घर। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30। एक्चुअली हुआ ये कि मार्केट से आके मैं इतना थक गया था कि मैं फिर सो गया, फिर कुछ एडिटिंग वगैरह बाकी थी वो करी, खाना खाया और अब हम जाएंगे छत पे और वो लैंडर उड़ाएंगे। तो चलते हैं छत पे। हाँ वो तो चला जाएगा। पूरा खुला नहीं रहा चलो। पहला महिती कैसा कराया है? ही इज एक्सपर्ट। वो पूरा खुला कर। देन लेट मी डू इट। यू नो? हाँ। तो क्या हो रहा है? कॉलेज में। कॉलेज में इसका फोटो भी जलाना है ना बस। अरे वो एकदम फ्लेम जाएगी तो खत्ते में जाएगा बलून। ऊपर पुश करना रहता है या ऐसे छोड़ना रहता है? अपने आप जाएगा। नहीं जा रहा ना भी? तो उसको शूट लो, वॉइस को शूट लो। किसी घर में नहीं मिला। चलो भैया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भी राम।